मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए है और वीडियो को मैं अभी बताता हूँ कौन सा है। और उससे पहले आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और वीडियो जो हमारा है आज थायराइड प्रोफाइल, स्पेशली इसमें थायराइड प्रोफाइल में दो थायराइड प्रोफाइल होती है, यानी दो तरह के टेस्ट होते हैं इसमें। एक थायराइड प्रोफाइल टोटल होता है, एक थायराइड प्रोफाइल फ्री होता है। तो थायराइड प्रोफाइल टोटल में जैसे होता है T3, T4 और TSH। अब थायराइड प्रोफाइल फ्री उसमें होता है FT3, FT4 और TSH। अब मैं उनका आपको डिस्कस बताता हूँ। जिस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है अपने पास थायराइड प्रोफाइल टोटल और थायराइड प्रोफाइल फ्री, दोनों चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, जिस तरह से मैंने बताया थायराइड प्रोफाइल टोटल में आता है आपका T3, T4, TSH, ठीक है। अब फ्री वाले में क्या आता है FT3, FT4 और TSH। मेथड दोनों का सेम है, मेथड जैसे शिलिया है ये शिलिया है, दोनों का मेथड सेम, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी ब्लड आप 3 ml या 1.5 ml ले सकते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन कोई ऐसा नहीं है कि आपको फास्टिंग करना है या किसी नॉन फास्टिंग प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, ऐसी कोई फास्टिंग वास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। डिजीज किसके लिए करते हैं, दोनों का सेम है, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के लिए करते हैं, जो आपकी डिजीज है, जो हमारी डिजीज के लिए करते हैं इसका। तो डिजीज हमारी जो है वो इसका क्या है, डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के लिए करते हैं, ठीक है। सेम उसका प्रोसेसर ये भी, इसमें भी यही है कि आपका 3 ml या 1.5 ml ब्लड, यानी जो 5.1 ml हम आपको बता रहे हैं ये चाहिए सीरम। ये क्या है, जो सीरम हमारा, सीरम का क्या है, सीरम हमारा क्या होता है कि हम जब जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं सैंपल को, तो हम जैसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसको 36 rpm पे 10 to 15 minutes के लिए, तो उसमें हमारा एक सीरम निकलता है। वो सीरम आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो 1.5 ml होना चाहिए, ठीक है। 1.5 ml जो मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ, वो रिपोर्टिंग इसकी दोनों की, इन दोनों की रिपोर्टें जो है आपकी वो सेम डे है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अब दोनों में आप जैसे डॉक्टर लिखते हैं आपके कि थायराइड प्रोफाइल, कोई कोई लिखते हैं डॉक्टर FT3, FT4 और TSH, कोई लिखते हैं T3, T4 और TSH। इसमें फ़र्क क्या है देखिए, ये जो आपका T3, T4 है वो जो है ना उससे ज़्यादा बेस्ट और उससे ज़्यादा अच्छा जो आपका है वो FT3, FT4 और TSH, जो प्रोफाइल हमारा है थायराइड प्रोफाइल फ्री, जिसका प्राइस आपका है इसका 950, फ्री वाले का जो प्राइस है वो आपका है 950, ठीक है। टोटल वाले का जो आपका प्राइस है वो आपका है 550। तो प्राइस में भी फ़र्क है, अब प्राइस में फ़र्क होगा तो फिर समझ लीजिए टेस्ट में भी फ़र्क होगा इसका आपका, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें एक दिया हुआ भी है यहाँ पर कि ज़्यादा जो बेस्ट आपका होता है थायराइड का टेस्ट वो होता है फ्री वाला। लोग करते नहीं नहीं अरे वो कम में करते हैं, वो लोग वहाँ ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, तो देखिए वो करते हैं वो तो ठीक है, अब उन जहाँ भी आप कराते हैं उनको ये बोलना है कि हमारा फ्री वाला कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है हेनेंस सिमुलेटेनियस मेजरमेंट ऑफ फ्री T3 एंड T4 आर इम्पोर्टेंट, TSH शुड नॉट बी यूज इन द आइसोलेटेड लेबोरेटरी टेस्ट टू द एसेस थायराइड फंक्शन स्पेशली इन द पेशेंट विद द सस्पेक्टेड और नॉन पिट्यूटरी डिजीज, ठीक है। तो इसमें भी आपको इस तरह से दिखा है, आप चाहे गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, फर्क कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको मिलेगा। अब फर्क इसमें यही है कि जो आपका ये वाला है टोटल वाला, जो आपका टोटल वाला है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि जो फ्री वाला इफेक्टेड ज़्यादा होता है। ये जो आप टेस्ट करवाएंगे फ्री वाला मेथड, तो ये आपको क्लियर देगा कि आपका थायराइड है या नहीं है, इसमें क्या है आपको ये थायराइड है या नहीं है, यस या नो, इसमें क्लियर दे देगा आपका, अगर है तो यस और नहीं होगा तो नहीं। जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, इसकी वैल्यू जो हमारे पास थायराइड की होती है वो वैल्यू आपको इसमें दिख जाएगी। कि जिस तरह से आप देखिए क्या होता है कि जैसे कोई कोई अपना अपना एक नया नया वो रखता है वैल्यूज वगैरह का, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं कि आपका ये क्या क्या वैल्यू है, किस अकॉर्डिंग है, उसमें भी आपका प्रोफाइल लग जाए। मैं आपको अपना डॉक्टर लाल पैथलैब की जो वैल्यूज है
वो मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरे और किसका अलग अलग थोड़ा होता है। अब देखिए मैं आपको ये फ्री वाले का बताता हूँ, जो आपकी फ्री वाली हैं उसमें वैल्यूज हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अब ये FT3 है, ठीक है, FT3 यानी फ्री। FT3 की जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 300 से लेके 4.70 ये होती है इनकी, ठीक है। तो PG/ML, ठीक है, ये होती है। अब आपका जैसे फ्री वाला है, फ्री आपका T4, ठीक है, तो T4 इसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो आपकी है 0.83 से 1.43, इसके बीच में अगर आपका है तो आपका नॉर्मल है। उसके बाद आपका TSH आता है, अल्ट्रा सेंसिटिव। क्या है ये? अल्ट्रा सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव TSH आपका आ गया, ठीक है। इसकी जो हमारी वैल्यू है 0.700 से लेके 6.400 होती है, ये नॉर्मल वैल्यू आपकी होती है TSH की। इसमें आपकी एक नॉर्मल वैल्यू ये TSH की हो जाती है, ठीक है। तो अब ये हमारी जो तीनों वैल्यू हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, FT3 की है 3.00 से लेके 4.70, FT4 का मैंने बताया आपको 0.83 से लेके 1.43, TSH का मैंने बताया 0.700 से 6.400 तक, इसके बीच में अगर आपका होता है। अब मान लीजिए अगर किसी का आता है 6/4, तो ये बॉर्डर लाइन हो गया, यानी आपका होने का चांसेस हो सकता है थायराइड का। और कुछ चीज़, ये थायराइड क्या होता है, जेनेटिक होता है, मतलब जेनेरिक होता है ये। जैसे मान लो अगर आपके दादाजी को था, फादर को था, मदर को था, किसी को और को था, तो भी इसमें होने के चांसेस होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो डॉक्टर लोग बताते हैं कि FT4, ठीक है, ये जो आपका FT4 है, FT4 और TSH, तो जो हमारे जो लेडीज होती हैं, जो प्रेगनेंसी होती है, जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आपका FT4 और TSH मतलब होने के चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, उस टाइम पे ये चांसेस होते हैं। तो जब भी आप देखना कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो डॉक्टर उनका या तो पूरा थायराइड प्रोफाइल कराता है या FT4 TSH। वैसे मेरा मानना है कि लोग ना TSH करा लेते हैं, तो TSH नहीं, इनको पूरा कराना चाहिए, FT3 और FT4 और TSH, यानी तीनों प्रोफाइल करानी चाहिए इनको, तभी इनका क्लियर पता लग जाएगा इनको थायराइड है या नहीं है। ये तीनों मतलब थायराइड प्रोफाइल आपका फ्री वाला पूरा होना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल फ्री। तो जहाँ तक लोग कराना चाहें तो थायराइड प्रोफाइल फ्री करा सकते हैं। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये टेस्ट करवाइए आप, ये थायराइड प्रोफाइल फ्री वाला आप करा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, हमारे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए, ठीक है। इसकी बात मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसके आपको डॉक्टर कौन मिलते हैं, इसके आपको डॉक्टर साहब को मिलेंगे इंडोक्रिनोलॉजिस्ट फिजिशियन होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में आपका जैसे इस तरह से मैं बता चुका हूँ, FT3, FT4 और TSH, अल्ट्रा सेंसिटिव आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका मैं बता देता हूँ आपको स्टेबिलिटी क्या है सैंपल का, तो रूम टेम्परेचर में आप इसको 2 आवर्स तक रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में आप इसको 1 वीक तक रख सकते हैं, और फ्रोजन में आपको 4 वीक तक रख सकते हैं, सैंपल का आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये जो चीज़ बताई है कि अब दोनों लोग कहते नहीं नहीं हमारा वो कर दो क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है। अब मैं आपको एक कुछ छोटी सी चीज़ पढ़ के बताता हूँ, एसेस द डिटेक्टिंग अनबाउंड ऑफ फ्री फ्रॉम द थायराइड, दिखाइए ज़रा जो मैं पढ़ रहा हूँ इनको, एसेस डिटेक्टेड, ये आप देख सकते हैं, अनबाउंड ऑफ फ्री फ्रॉम द ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स आर हाईली सेंसिटिव टू डिटेक्टेड थायराइड डिसफंक्शन, दे रिफ्लेक्ट द एक्टिव फ्रॉम ऑफ द हॉर्मोन, ठीक है, अनफेक्टेड बाई नॉन थायरोइकल फैक्ट, यूज ऑफ TSH अलॉन्ग एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट मे बी द मिसलीडिंग। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि इसमें मिसलीडिंग बता रहे हैं कि अगर कराना है तो पूरा कराओ, पूरा कराओ, अगर जैसे आपको पूरा थायराइड प्रोफाइल कराओ, TSH कराओगे तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो पूरा लिखा है, टेस्ट मे बी मिसलीडिंग, ये हो सकता है। तो इस तरह से हम आपको बताने जा रहे थे, और ये पूरा इस तरह से होता है। तो जो आप टेस्ट कराते हैं तो पूरा प्रोफाइल कराइएगा, और प्रोफाइल कराने से क्या होगा कि आपकी पूरी जानकारी सही से मिल जाएगी उसमें,
तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।